साथियों, यह गीत जो आपके बीच में रख रहा हूं केवल इस उपचुनाव के मद्देनजर नहीं रख रहा, यह जीत और यह भारी बहुमत की जीत यह संदेश दिया है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हो अपना बूथ हार गया, अपना गांव हार गया, भारतीय जनता पार्टी को यह देश उत्तर प्रदेश 2024 में हरा करके और इस देश से छुटकारा पाना चाहता है। ये लाइन जरा सुनिएगा, हम बधाई देते हैं आदरणीय डिंपल यादव जी को जीत की और ये धर्मेंद्र सोलंकी ये गीतों से ऐलान करना चाहता है क्या। अरे नेताजी का धरती पे इतिहास दोहराई है, इतिहास दोहराई है। अरे डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है, साथियों। एक तरफ मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ रही थी, मैनपुरी के लोग अभी कुछ दिन हुआ था नेताजी को इस दुनिया से अलविदा हुए, ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने डेट घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फौज अपनी पूरी कैबिनेट में ही उतार दी। स्वयं मुख्यमंत्री आए, डिप्टी सीएम आए, उल्टा पुल्टा बोल के लोग गए, लेकिन मैनपुरी के लोगों और मैनपुरी की सम्मानित जनता ने करारा जवाब दिया और कहा जिस मैनपुरी ने नेताजी को दुनिया में स्थान दिलाया उस मैनपुरी पर फिरका परस ताकतें, देश को बांटने वाली ताकतों का उदय नहीं होगा। अपनी बहू अपने घर की आबरू को जिताया मैनपुरी के लोगों ने और हुआ क्या, पूरी कैबिनेट थी बीजेपी उतारी, सीएम डिप्टी सीएम पर अकेले सपा भारी, अकेले पूरी कैबिनेट थी बीजेपी उतारी, सीएम डिप्टी सीएम पर अकेले सपा भारी, बीजेपी प्रत्याशी को उसके गांव में हराई है, अरे बीजेपी प्रत्याशी को उसके गांव में हराई है। अरे डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है, डिंपल यादव जी को अब लोग कहेला एगो डेट फिक्स होला, फलाना तारीख से फलाना का उदय होई, फलाना तारीख से फलाना का अस्त होई और ये प्रकृति तय करती है। ये तय है जैसे 25 दिसंबर से बड़ा दिन होना चालू हो जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। केवल एक बात जिसको आज कहती है पूरा नहीं करती तो कल उस पर चर्चा नहीं करती। सारे टेलीविजन खरीद लिए गए, सारी मीडिया खरीद ली गई, सारा अखबार खरीद लिया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, न सही खबर आ रही है न सही समाचार आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता भी समझ चुकी है। ये लाइन पढ़ रहा हूं जरा सुनिएगा क्या, देश को बड़ी है अखिलेश जी से आशा, देश को बड़ी है अखिलेश जी से आशा, 24 में बदलेगा चुनाव का परिभाषा, 24 में बदलेगा
यादव जी को जीत की बधाई है, डिंपल यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि यह जनता लोकतंत्र में यह जनता बहुत बड़ी ताकत होती है डेमोक्रेसी में। और जब आप डेमोक्रेसी को खत्म करोगे, लोकतंत्र को खत्म करोगे, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा संविधान खत्म कर दोगे, आरक्षण नहीं रहेगा, आप यही चाहते हो, आप यही चाहते हो हमारे बच्चे हमारे बेटे और बेटियां पढ़ ना सके, पढ़ाई ना कर पाए, अशिक्षित रहे और आपके पीछे पीछे घूमते रहे। लेकिन याद रखना, जब जब देश पर संकट आई है और जब जब देश विषम परिस्थितियों से गुजरा है, तब तब इस देश में देश के ही लोगों ने आगे आकर के मजबूती से वतन को और देश को बचाने का काम किया है। हम समाजवादी हैं, हमारा इतिहास पढ़ लेना और जरा अपना इतिहास बता देना। जब देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ कौन रहा था और अंग्रेजों की चापलूसी कौन कर रहा था, ये पता लगा लेना। और हम तो इस बात को बड़े अदब के साथ कहते हैं कि लड़ कौन रहा है तुमसे, हम ही तो लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ेंगे। और ये संदेश है, मैनपुरी खतौली ये संदेश है, रामपुर में तुमने जबरदस्ती हराया ये संदेश है, जरा गौर करना। क्या बढ़ी है बढ़ेगी साइकिल की रफ्तार जी, अरे बढ़ी है बढ़ेगी साइकिल की रफ्तार जी, 24 में होगी अब लड़ाई यार पार जी, उसमें होगी अब लड़ाई यार पार जी। और जुर्म के खिलाफ गीत सोलंकी की आई है, अरे जुर्म के खिलाफ गीत सोलंकी की आई है, अरे डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है, डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है, डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है, डिंपल यादव जी को जीत की बधाई, डिंपल यादव जी को जीत की बधाई है।